सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, कल आपने सीखा कि आप किस तरीके से चार्ट्स को रीड कर सकते हो, आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखा, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर प्लॉट करना सीखा। पर आज हम उसी का एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं। जब हम चार्ट को रीड करने की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, कौन से आपके लिए चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, आज आपको ये सब भी सीखने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर। सो अब शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। यस, तो कल हमने क्या सीखा कि अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींच सकते हैं। अब देखो, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो काम नहीं बनने वाला, हमें कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने पीछे के चार्ट पे सीखे, अब हमें ये भी जज करना पड़ेगा कि मार्केट आगे क्या करने वाली है। तो आगे जज करने के लिए हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। इन दोनों में आपके पास 100-100 एग्जांपल्स हो जाएंगे। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुक्स देखोगे, उनमें आपके पास बहुत सारे हैं। पर हम यहाँ पे वो बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा आपके लिए, अगर आप न्यू हो तो आप अभी यूज कर सको, और जो मेन मेन है। तो हम आज तीन कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, पहला अपना डोजी, ठीक है, दूसरा अपना हैमर और तीसरा अपना इनसाइड बार। इन तीनों में हम वीकली चार्ट पैटर्न पे सीखेंगे, क्योंकि अगर आप 5-10 मिनट में सीखोगे तो इनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। right. हम अगर इन्हें वीकली में सीखेंगे तो क्या होता है कि इनका, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है और आपके पास एक हैमर पैटर्न आया, तो इसका मतलब है कि मार्केट वहां पे पॉज हुई है, जो बायर्स थे वहां पे अब थोड़े हल्के पड़ रहे हैं और अब यहां से सेलर आ सकते हैं। सिमिलरली right. आप इनसाइड बार की बात करोगे, वो तब आता है जब मार्केट में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। मार्केट में आज लोगों ने बाइंग की और नेक्स्ट डे उन्होंने सेलिंग कर दी, फिर से मार्केट बीच में फंस गई है। तो हमें ये जजमेंट लाने के लिए तीनों पैटर्न्स सीखने पड़ेंगे। उसके बाद जो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे वो होंगे पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, मतलब हो गए फ्लैग्स, हो गए अपने ट्रायंगल्स, हो गए सिमेट्रिक पैटर्न्स, हो गए ये तीनों, ठीक है। तो हम पहले कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला होगा वो होगा अपना हैमर, ठीक है। अभी मैं पहले यहां पे दिखाता हूं आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल हमने क्या किया था और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, क्योंकि कंटिन्यूएशन ही है। तो कल हमने इस जगह पे मार्केट में ये हमारा सपोर्ट एरिया था, जब हमने यहाँ पे जोन्स ड्रॉ किए कि ये सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। मार्केट में आप देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन खुली, करेक्ट था। गैप डाउन खुलने के बाद मैंने बोला कि 5-10 मिनट आपको वेट करना चाहिए, मार्केट में वेट में मार्केट ऊपर चली गई, सेलिंग का पोजीशन आया बट मार्केट 5 मिनट के अंदर ही ऊपर चली गई। मतलब अभी इस वक्त आपके पास कोई डिसीजन नहीं है, मार्केट ऊपर जाने के बाद उसने रिटर्न में इस जगह पे आपको क्या किया, उसने आपको ब्रेक कर दिया सपोर्ट। सपोर्ट हमने रेड लाइन लग से कल एज अ सपोर्ट जब हमने इंट्राडे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एनालिसिस किया था, उस वक्त मार्केट ऊपर गई और अभी कंटिन्यू में नीचे जा रही है। अगला उसके पास सपोर्ट इस जगह पे 42,800 के पास है। अब मार्केट में 42,800 को आप क्या मान सकते हो, अपना टारगेट। मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक किया, अब अगले सपोर्ट तक जाने का ट्राई करेगा, आप इसको टारगेट मानो। अगर ये आज ही इंट्राडे में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बुक कर लेंगे। इंट्राडे वाले लोग यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, जस्ट लाइक मैं भी कभी कभी होल्ड करता हूँ, पोजिशनली आपने कॉल सेल कर रखा है, आप उसमें एक हेज लगा और उसको होल्ड करके भी जा सकते हो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया है और यहाँ पे थोड़ा बैंक्स बेरिश दिख रहे हैं। तो ये हमारा आज कल का हो गया पूरा। अब हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो हम चार्ट को वीकली पे ले जाते हैं, वीकली पे चार्ट बेटर दिखता है। तो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा सबको। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं। कैंडल में चार चीजें होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये चार ही चीजें कैंडल को डिस्क्राइब करती हैं, कैंडल कैसी बनेगी। अब डोजी कैंडल कैसे बनती है, मान लो ये मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया, पहले नीचे की तरफ जाके यहां तक मार्केट खींची, उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, मान लो सिर्फ इतना हाई, इक्वल लो इक्वल हाई के बाद मार्केट ने सेंटर में ही क्लोज कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट को नीचे ले गए कौन, सेलर्स, मार्केट को ऊपर ले गए कौन, गया बायर्स, और वो वापस से आके सेंटर में क्लोज हो गए। इसका मतलब है कि ना बायर डिसाइड कर पाए कहां जाना है, ना सेलर डिसाइड कर पाए कहां जाना है। तो ये कैंडल हमारी क्या कहलाती है, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो क्या मतलब निकला, वीकली बेसिस पे डोजी कैंडल का मतलब है कि 5 दिन होते हैं हमारे पास, मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे में वीकली कैंडल डोजी बनी। इसका मतलब या तो बिगनिंग के 2 दिन अपने बुलिश रहे होंगे, लास्ट के 2 दिन अपने बेरिश रहे होंगे, और मार्केट ने फ्राइडे को मिड में क्लोज कर दिया। इसका मतलब पूरे वीक के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा बना होगा, एक रेंज क्रिएट हो गई होगी 5 दिन में खुद ब खुद। और अगर एक वीक की रेंज हमें मिल जाए तो रेंज ब्रेकआउट की ट्रेडिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको वीकली में डोजी मिल गई तो आप इंट्राडे में ब्रेकआउट की ट्रेडिंग आसान कर सकते हो और आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसके क्या बोलते हैं एग्जांपल्स की बात करें तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाता हूं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम अभी यहां पे देखेंगे कि डोजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी रिसेंट का है वो ये रहा, जहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिखाया। इस कैंडल में मार्केट पहले नीचे की तरफ गई, उसके बाद ऊपर की तरफ गई एंड देन मिड में आके क्लोज हो गई। हम इसी टाइप की कैंडल को डोजी बोलते हैं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि डोजी
एमओजी आपको बेसिकली ग्रीन कलर का भी देख सकता है, रेड भी देख सकता है, और बिल्कुल ही अगर जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया तो ब्लैक कलर का भी देख सकता है। करेक्ट करेक्ट, वो किसी भी कलर का हो सकता है, कलर पे बिल्कुल नहीं जाना, हमें बस ये देखना है कि मार्केट नीचे गया हो, फिर ऊपर गया और सेंटर में क्लोज हुआ। आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं, डोजी भी कई तरीके के होते हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि जितना ऊपर गया उतना नीचे जाएगा डोजी। अगर आपको ग्रेपस्टोन डोजी दिखता है या ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है तो उसके अंदर एक साइड की शैडो बड़ी भी हो सकती है, पर अभी हम स्पेसिफिकली वहां पे बात कर रहे हैं जहां पे ऊपर और नीचे की ऑलमोस्ट बराबर हो, आप उसी की बात कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ये डोजी अगर हमें यहाँ पे मिल गई है तो अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि इसको इंट्राडे में यूज कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट को अगर हम बिल्कुल थोड़ा 15 मिनट में लेके जाएं और सेम जगह पे ये देखते हैं कि मार्केट ने इस वीक में क्या क्रिएट किया था। ये रहा, आप इस जगह पे देखोगे कि मार्केट ने सिंपली नीचे की तरफ गई मार्केट, ऊपर की तरफ गई और इस इलाके में जाकर क्लोज हो गई। तो मार्केट ने ना एक बॉक्स सा क्रिएट किया जी। और जितने भी लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ट्रेड किया होगा और इंट्राडे में ट्रेड किया होगा उन्होंने इस गैप अप से बाइंग स्टार्ट की है। राइट। तो ये चीज हमारे ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्योंकि इंट्राडे के टाइम पे ये ट्रेड मैंने भी पकड़ी थी। इस दिन शायद 10 लाख रुपए कमाए थे मैंने और ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में चली गई। अब क्या होता है, जब डोजी आपने पकड़ ली वीकली की तो आपको जस्ट वेट करना है, जैसे ही वो डोजी का हाई ब्रेक करेगा आपको बहुत बेहतर ट्रेड मिलेगी इवन इंट्राडे में। और अगर आप पोजिशनली ट्रेड भी करना चाहते हो वीकली में तो आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड्स के साथ पोजिशनली ट्रेड भी कर सकते हो, एक फिक्स रिस्क हो जाएगा आपके पास और आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आप कोई भी कैंडल देखते हो, चाहे वो हैमर हो चाहे वो डोजी हो, कोई भी आप कैंडल देखते हो, एक बड़े टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देख रहे हो तो वो बहुत छोटी छोटी कैंडल से मिलकर बनी है। तो ये जो इतनी सारी कैंडल्स आपको नहीं बता पा रही है वो आपको सिंगल एक डोजी बता रही है, इसीलिए आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो कि किसी और टाइम फ्रेम पर क्या आपको कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। सो डोजी इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे आपको समझना जरूरी है। करेक्ट। और बड़े टाइम फ्रेम पे देखने का एक और फायदा होता है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब ब्रेकआउट्स या रेंज ढूंढ रहे होते हो उस टाइम पे आप बहुत कंफ्यूज होते हो, कभी कभी कैंडल थोड़ी ऊपर चली जाएगी, कभी थोड़ी नीचे आ जाएगी, आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बट अगर वही कैंडल आपने वीकली में देखी है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक रेंज बाउंड एरिया था। आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, आप खुद इस चार्ट को देखो, ये नीचे आया, ये यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट ही दिख रहा है, सिंपली नीचे गए, ये फिर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ वापस आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट दिख रहा है। आपने 4 बार गलत ट्रेड ली। पर अगर आपने यही चीज वीकली में पहले जस्टिफाई कर ली होती कि अभी तक क्रिएट नहीं हुई, फ्राइडे जाने दो, हम मंडे से ट्रेड करेंगे, तो उस चक्कर में आप डायरेक्ट इस जगह पे इकलौती अकेली ट्रेड लेते। अब एक चीज और बतानी है लोगों को, आप एक बार वीकली पे वो ले आइए और एक बार डोजी दिखाइए। अब यहाँ पर जो ये डोजी काम कर रहा था ये बेसिकली आपके लिए एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह काम कर रहा है। सो ऊपर का अगर आपको ट्रेड पकड़ना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट तब है जब वो चार्ट के बॉटम या चार्ट के टॉप पे बनता है। यहां पर जो ये डोजी बन रहा है, ये डोजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे चार्ट यहाँ पे लगातार नीचे गिर रहा था, कैंडल्स नीचे आ रही थी, क्योंकि नीचे आ रही थी और वो बॉटम पे बन रहा है इसीलिए और ज्यादा पावरफुल है, इसे आप छोड़ नहीं सकते थे। करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि नेक्स्ट इसके पहले ये कहां पे बना था, उस जगह पे हम देखें, आपको ये चीज यहां पे भी देखने को मिलेगी। ये रहा, ये भी एक डोजी पैटर्न था। अब जैसे आपने अभी बताया कि मार्केट में नीचे या ऊपर बने बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है ना, हम ब्रेकआउट नहीं पकड़ पाते। मान लो कि हमने कोई ब्रेकआउट रख रखा था और हमें कहीं जाना पड़ा, वो ब्रेकआउट हमसे मिस हो गया, तो फिर उसके बाद हमें मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न पे जाना पड़ता है, हमें अब उसको मिड में पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप मार्केट इतनी ऊपर गई, अब जो कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे क्रिएट होगा, जब मार्केट इस जगह पे टाइम पास करेगी, टाइम पास करे या कंसोलिडेशन करे, कुछ करे, उसी के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये वाली जो डोजी यहां पे क्रिएट हुई ये उस कंटिन्यूएशन पैटर्न का पार्ट है। राइट। यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हमसे मिस हो गया, अब मुझे चाहिए मैं अगला ट्रेड कैसे पकड़ू, क्योंकि मार्केट कैसे मूव करती है, ए बी सी, तो हमें मान लो ये बी में एंटर करना है, अब ए तो हमसे मिस हो गया, तो ये वाले पैटर्न को हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने कैसे क्रिएट किया इस डोजी को। ये डोजी भी बिल्कुल फ्लैट है, इस डोजी में बिल्कुल बॉडी ही नहीं है। और ये डोजी भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक रीजन और है, अगर आप नीचे से देखें तो लगातार ग्रीन 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 कैंडल्स बन रही है, मतलब आप देख सकते हो बुल्स वर एग्रेसिव। फिर जब आपको एक रेड कैंडल मिलती है इसका मतलब है कि बियर्स ने कोशिश करी मार्केट को नीचे लेके जाने की, बट अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद भी ब्रेकआउट आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, इसका एक मतलब है कि बुल्स दोबारा से एग्रेसिव हो गए। करेक्ट। और वो डोजी है, डोजी की सिग्निफिकेंस डेफिनेटली है, बट अगेन मतलब मेरा अपना पर्सनली ऐसा मानना है कि बॉटम और टॉप वाला तो छोड़ना ही नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, बट इम्पोर्टेंट तो है ही अगर कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल से कट करता है। हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे हर टाइप का एग्जांपल देख ले। क्यों मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कई बार लोग ना, जैसे अभी हम डोजी की बात कर रहे हैं, ये तो हमें अब समझ भी आ रहा है, हमारा वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है लोग ना हैमर सुनते हैं,
हैंगमैन सुनते हैं, शूटिंग स्टार सुनते हैं, वो देखते हैं यार तो बना तो हैमर ही है, हाँ। ये तो हैमर ही बना है, बट वो हैमर को गलत जगह पे पकड़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं यार नहीं यार हैमर तो था ही नहीं है, तो पता नहीं क्या था हमारा, तो इसमें स्टॉपलेस हो गया। करेक्ट। तो उसे इसी में थोड़ा सा समझना जरूरी है, हैमर मिड में नहीं पकड़ सकते। राइट। आप मिड में अगर हैमर का यूज करोगे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो ट्रेड तो मिडिल में बनी है, बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई ही मार्केट का गेम है, वो हैमर कहीं भी बन सकता है, लेकिन हैमर अगर डाउन या अप में बना है ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हैमर को तो आप बिल्कुल लास्ट में यूज करो, कोई सेंस नहीं उसका बीच में यूज करने का, आपके एसएल ज्यादा होंगे। अब ये 31 अक्टूबर की कैंडल है, हम इसको 15 मिनट में देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे यूज हो सकती थी। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो अपना वीक है ये, इसको तो परफेक्ट डोजी बोलते हैं। सी मार्केट ने ऑलमोस्ट, ये भी रहा इंक्लूडिंग, ऑलमोस्ट बिल्कुल साइडवेज मूव दिया है। अब हमें अगर इस चीज का ब्रेकआउट मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा जाना है। मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ को आई, इस जगह से यहाँ पे एक पॉज लिया, पॉज लेने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो जब आपको बड़े ट्रेंड पकड़ने हैं ना, तब आपको ये सारे डोजी कैंडल्स वीकली में बहुत साथ देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, अभी डेफिनेटली रियांश आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताएंगे, आप ये ड्रॉ कर देते हैं, बैक करना एक बार ड्रॉ रहेगा शायद। तो अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न समझ रहे हैं, हम डोजी की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी चार्ट पैटर्न्स की वीडियो देखी हो तो आपको यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगल भी दिख रहा है, तो बुलिश रेक्टेंगल इज अ कंटिन्यूएशन चार्ट। करेक्ट। तो आप है क्या चीज, आप जब चार्ट रीडिंग समझ जाओगे ना तो कभी आप चार्ट पैटर्न से पकड़ लोगे, कभी आप कैंडलस्टिक पैटर्न से पकड़ लोगे, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बुलिश रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन चार्ट। करेक्ट। मेन रीडिंग की काम है, आप अगर रीडिंग चार्ट की करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको एक टाइम पे ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है, ये चार्ट पैटर्न आपको कहीं पे खींचने नहीं पड़ेंगे, आपको आंखों से दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चल रहा है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है ना वो क्या है, हैमर। इस जगह पे इस वक्त मार्केट में लोगों को हैमर दिख रहा होगा वीकली में, कि यहाँ पे हैमर क्रिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका जो हैंडल है वो छोटा है, पर मार्केट ने नीचे की तरफ खींच लिया है बायर्स को, सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव होना स्टार्ट हो गए। ऐसे टाइप में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मार्केट अगली कैंडल डोजी बनाती है, क्योंकि उसमें पॉज लेना उसको इंपॉर्टेंट है। वो अगर डायरेक्ट जाके ऐसे गया ऊपर और डायरेक्ट जाके ऐसे रिवर्स आ गया तो ये जितने लोग यहाँ पे बाइंग की होगी, इंस्टीट्यूशंस ने भी की होगी, उन सबका तो मतलब वेस्ट हो गया ना टाइम, उन्होंने क्या ही किया फिर। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, इस जगह पे पॉज लेके अपना माल निकालेंगे एंड देन यहाँ पे डोजी क्रिएट होगी और मार्केट उसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करके ऑफकोर्स वो ए बी और सी बनाने का ट्राई करेगा, बट ये ब्रेकडाउन हम जज कर सकते हैं अगर हैमर के बाद एक डोजी बन गई, वो बहुत अच्छी बात होती है। अभी यहाँ पर एक चीज और बता दूं, आप लोग कंफ्यूज कम हो गए, आपको हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार इस तरीके से याद करना पड़ता है। बेसिकली आप पिन याद कर लो, पिन क्या होती है, पिन के अंदर आप देखते हो कि उसकी जो बॉडी है बड़ी छोटी सी होती है, फिर आगे सुई निकली होती है, तो वो पिन हो गया ना। तो आप पिन समझ लीजिए, पिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको कहीं पर भी पिन दिखता है तो आप समझ लो उसकी एक रिलेवेंस है, और खासकर अगर वो आपको दिखता है चार्ट के बॉटम पे, चार्ट के टॉप। करेक्ट। आपको सिंपल ना बायर्स और सेलर कॉन्सेप्ट पे जाना है, आप बिल्कुल कैंडलस्टिक के ना कलर पे जाओ ना किसी चीज पे। अगर कहीं पे भी मार्केट में मार्केट को नीचे खींचा सेलर्स ने और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर रही है, इसका मतलब एट द एंड जो विनर है वो कौन हुआ, बुल्स। यहाँ पे बुल्स ने एग्रेसिवली बाई किया, सेलर्स को हराया एंड देन ये कैंडल बनाई है, इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है, बुल्स जीत गए। तो ये कैंडल कहाँ पे बनने का ट्राई हो सकता है, जब मार्केट गिरती हुई आई, मार्केट में और गिरावट आई, ऊपर गई, यहाँ क्लोज हुई, ये आपको मोस्टली नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। सिमिलर आप इसका अपोजिट भी ढूंढ सकते हो, मार्केट ऊपर की तरफ गई, वहां पे मार्केट में सेलिंग आई, सेलर्स ने एग्रेसिव किया, नीचे की तरफ खींचा, ये यहाँ पे आपको मिल गया। अब इसमें मैं बस आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पर इसे तो हैमर बोलते हैं हम, पर अगर यही सेम चीज चार्ट के टॉप पे आपको मिल जाएगी तो इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। करेक्ट। और वहां से क्योंकि गिर रहा है तो इसे आप शूटिंग स्टार बोलते हैं, थोड़ा क्लियर करने के लिए। नेम्स तो बहुत सारे रख दिए हैं लोगों ने, पर आप जस्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाओ आपको ये बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम यहाँ पे हैमर समझेंगे, हैमर कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते जाते मार्केट ने एकदम टॉप पे एक पिन बनाया। ठीक है, मैं पिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेम्स बहुत सारे हैं। इस जगह पे पिन बनने के बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मार्केट ने वीकली में मार्केट को नीचे की तरफ खींचा और फिर क्लोजिंग की है, आपको बस इस लो के क्लोजिंग की ध्यान देनी है। मार्केट जैसे इस लो को ब्रेक करेगा आप इस एसएल के साथ मार्केट को शॉर्ट मार सकते हो आराम से टॉप पे। सिमिलर काइंड की चीज आपको अगर नीचे की तरफ मिल जाए तो आप हमेशा पिन का जो डाउन साइड होता है उसका एसएल लो और इसके ब्रेक पे आपको बुलिश ट्रेड लेनी। अब वीकली में हम ये चीज कर रहे हैं, वीकली में ये चीज कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगले 10 दिन के लिए मार्केट बुलिश हो गई। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही बना रही है तो मार्केट में अगले 10 दिन के लिए मार्केट बेरिश हो गई, वो एक इंट्राडे का व्यू नहीं है। इंट्राडे आप ट्रेडर हो तो आप उसको यूज कर सकते हो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, बट आपका व्यू 10 दिन के लिए बना। आपका 10 दिन का व्यू तब है जब आप वीकली टाइम फ्रेम पर ये चीज कर रहे हो, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो या छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, तो आप इंट्राडे का ट्रेड ले सकते हो। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न वही रहेगा,
हाँ, अब यहाँ पे नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेनली मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग वीकली पे इसलिए ट्राई करें क्योंकि अभी बिगनर्स हैं। आप इस चीज को 15 मिनट पे भी ट्राई कर सकते हो, ये चीज 15 मिनट पे भी काम करेगी, बट उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वीकली में ये चीज आपको हो सकता है 10 में से 8 बार सही निकले, 15 मिनट में आपकी ये चीज 10 में से शायद 5 बार सही निकले, 4 बार सही निकले, उस चीज की फ्रीक्वेंसी कम रहती है। ठीक है, ये चीज को हम अभी इस पे देखते हैं अपने कंप्यूटर पे कि नीचे की तरफ से कहां पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, ये डाउन साइड से, जैसे हमने इसके पहले समझा कि ऊपर की तरफ से अगर हमें पिन मिले तो कैसा रहेगा, अभी ये सेकंड नीचे की तरफ, मार्केट ने टॉप से बहुत ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट को खींचा। सिंपली यहाँ पे आप देखो मार्केट ने एक नीचे काफी लो बनाया, ये वीकली कैंडल दिख नहीं रहा है बट ये ऑलमोस्ट लगभग 800,000 पॉइंट होते हैं। मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद वही 800,000 पॉइंट खींचा और ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। कई बार ये सारी चीजें होती हैं, कह रहे मार्केट ऊपर से भी तो नीचे आई है, इसको हम डोजी भी बोल सकते हैं, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कितनी सेलिंग हुई, कितनी बाइंग हुई। अगर सेलिंग नीचे आपको 800,000 पॉइंट की है और ऊपर की तरफ के 100 से 150 पॉइंट ही बचे हुए, उस चीज को हम नीचे से तब भी वो पिन और हैमर ही बोली जाएगी। यहाँ पे कई लोग इसको डोजी में कन्फ्यूज करते हैं, डोजी है। आप इस जगह पे अगर अगली ट्रेड लोगे वीकली में तो आपको बस इसके टूटने का वेट करना है। जैसे इसके अगले में भी क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट इक्वल बनी, इसने ब्रेक नहीं किया, आपको अगले में ट्रेड मिलेगी और ये रही ट्रेड, और ये ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट है। तो वीकली में आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे 1,500, 2,000, 2,500 पॉइंट्स। आप यही चीज डेली में करो या 15 मिनट एक घंटे में करोगे, आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे बट इस चीज की सिग्निफिकेंस कम नहीं होगी। ये एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो, आप पीछे के चार्ट्स में कहीं जगह जा सकते हो, आपको आगे मिले तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगी, पर आप इस चीज को जाके बैक टेस्ट करो, आप देखोगे 10 में से 8 बार आपको ये सही आंसर मिलेगा इस जगह से। ओके, तो जो अगला एग्जांपल है वो क्या है, इनसाइड बार। इनसाइड बार भी मैं वीकली में समझा रहा हूँ बट इनसाइड बार आपको 15 मिनट और एक घंटे में और वनडे में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इनसाइड बार का मीनिंग ये होता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आया, उसके बाद एक पॉज आया, अब पॉज के बाद मार्केट अप या डाउन दोनों तरफ जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे दोनों टाइप की चीजें लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये रिसेंट का एग्जांपल है, मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आई, मार्केट ने इस जगह पे एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल का मतलब है कि अगला मूव इतना ही बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट बहुत डिस्टर्ब्ड है। मार्केट डिस्टर्ब ना होने की वजह से मार्केट में एक पॉज लाया जाता है हमेशा। इस जगह पे आप देखोगे एक डोजी बनी, ये एग्जांपल हमने पहले भी यूज किया है पर ये इनसाइड बार का भी एग्जांपल है, एक बड़ी रेड कैंडल उसके बाद एक डोजी। अब यहाँ पे ये मदर कैंडल कहलाती है, इसी वजह से क्योंकि ये साइज में बड़ी है। नेक्स्ट जो मूव आता है, कई लोगों ने यहीं पे, जैसे मेरा था, मेरा बाइंग इस कैंडल पे आया था क्योंकि ये कैंडल भी इसके अंदर ही थी, तो ये रहा पूरा एक रेक्टेंगल बॉक्स मार्केट में। जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगी, जो मदर कैंडल का हाई है, उसके बाद वीकली में इनसाइड बार की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। इनसाइड बार अगर हम डोजी की बात करें, हमने डोजी कब बनी, डोजी ऐसे बनाती है, वीकली डोजी आपको डेली में देखोगे तो ऐसी दिखेगी। अगर इसी की इनसाइड बार बन गई है, इसका मतलब और छोटे हो गए हैं चार्ट। अगर ये इस टाइप का बन जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत तेज आने वाला है, आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। सिमिलरली ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मार्केट ने इस जगह से सीधा आपको ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट दे दिए, 3,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ये पैटर्न अगर आपको इनसाइड बार वीकली में मिल गई, आप यहाँ पे अच्छे पैसे छाप सकते हैं। तो आपको वीकली पे यहाँ पे ट्रायंगल दिखेगा और ट्रायंगल को भी कई सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो हमने ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स के अंदर आपको समझाया हुआ है, उसमें भी यही होता है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में कहीं पर भी ब्रेकआउट आ सकता है और आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। जैसे अभी हम कैंडल्स को समझ रहे हैं, अभी जब हम चार्ट पैटर्न्स में देखेंगे उसमें ये चीज आपको छोटे में दिखेगी। जैसे वीकली में आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा है बट जैसे ही आप इसको 1 आवर में लेके जाओगे ना, आपको इसमें पैटर्न्स भी दिखने लगेंगे कि मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल चल रहा है, आपको सारी चीजें इसमें दिखेंगी। वीकली में हम इसलिए समझ रहे हैं जिससे एक नए बंदे को आराम से चीज समझ में आ जाए, आराम से दिख जाए, वो कंफ्यूज ना हो बेसाक, क्योंकि कंफ्यूज होगा उसके ऐसे लगेंगे उसको मार्केट बुरी लगेगी, तो इससे बेटर है वो थोड़ा आराम से स्टार्ट करे जिससे आगे चलता रहे। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि इनसाइड बार का, जो सेकंड अभी रिसेंट में एग्जांपल था, ये भी यहाँ पे मार्केट ने ये एक मदर कैंडल बनाई। पिछली बार आपने देखा कि रेड कैंडल थी और दूसरी भी रेड थी जो उसने डोजी बनाई बीच में, इस जगह पे ग्रीन है और अगली कैंडल भी ग्रीन है। अब आप समझ सकते हो ये 2 वीक मार्केट एक ही जगह पे, एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल, 2 वीक मतलब आप एक तरीके से समझ लो 14 दिन, 14 दिन से मार्केट कहीं मूव नहीं किए। अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट बनता है, चाहे ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, पर मार्केट ट्राई करती है कि उसकी जितनी भी लेंथ है, जितने मार्केट रेंज में घूम रही है, उतना कवर करने का। मार्केट ने जैसे ही ये एरिया ब्रेक किया, मार्केट ने आपको मूव दिया है और ये मूव आपका ऑलमोस्ट आप देखोगे 39,000 से 40,800 1,800 पॉइंट का मूव है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 समझे हैं, डोजी, हैमर और इनसाइड बार।
इनसाइड बार आपको लगभग महीने में दो बार मिल जाएगी, डोजी और जो हैमर है ये आपको हो सकता है महीने में एक ही बार हो, लेकिन उनका एक बार भी काफी है। 2000 से 3000 पॉइंट्स आपको मिलना, मतलब एक तरीके से समझ लो ट्रेडर लोग मेहनत करते हैं पूरे साल भर की उनको 2000 पॉइंट मिल जाए। तो मैं इस वक्त एक नए बंदे को इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर वो साइलेंटली ट्रेड करेगा तो 2000 पॉइंट वो आराम से टच कर सकता है, और इजिली ईयरली 2000 पॉइंट्स बहुत होते हैं आपके लिए। और 2000 पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे में मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे लोग सोच रहे हैं 2000 पॉइंट 200 पॉइंट मिल जाए तो बहुत होता है, बट वो आप इंट्राडे की बात कर रहे हो, यहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। Correct. तो दोनों को आपको समझना जरूरी है, और नए लोगों को इसीलिए रियाज पोजिशनल की तरफ ज्यादा बोल रहे हैं कि आप पोजिशनल की तरफ ज्यादा आप इंट्राडे में अगर न्यू शुरू कर दोगे ना बिल्कुल की पांचवें दिन आपने इंट्राडे से आपके एसएल हिट होंगे, और मैं नहीं चाहता कोई नया बंदा आए और वो एसएल हिट करके मार्केट को बुरा बोले, क्योंकि हमने यहाँ पे मेहनत की है, सब कुछ किया, इसके बाद अगर नया बंदा आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से कुछ सीखे और मार्केट में समझे कि हाँ ये भी एक बिजनेस है और आपको लंबे समय तक करना है। आप यहाँ पे 10 दिन करने आओगे मार्केट आपसे सिर्फ लेगी देगी कभी नहीं। राइट right. सो अभी तक आपने यहाँ पर तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ लिया है, डोजी को समझ लिया, आपने हैमर और शूटिंग स्टार को भी समझ लिया, हमने आपको समझाया कि आप उसे पिन के थ्रू याद रख सकते हो, तो सिंपली आप समझिए आपने पिन को समझ लिया है, और तीसरा आपने यहाँ पे इनसाइड बार को समझ लिया है। अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप डेफिनेटली बैकटेस्ट कीजिए, एंड अगर आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा। अब यहां से हम समझना शुरू करेंगे चार्ट रीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलते हैं पैटर्न्स को समझना, जो कि अब हम समझेंगे अगली वीडियो में। अगर आप अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।